आज हम उत्तराखंड के क्षेत्र नाग टिब्बा में आए हैं। यदि आपको नाग टिब्बा में आना है तो सर्वप्रथम आपको पंतवारी एक जगह है जहां से आपको पैदल लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है, और उस 10 किलोमीटर की यात्रा में आप एक साथ नहीं कर सकते, उसमें पहले बीच में धीरे धीरे कुछ पड़ाव पूरे करने होते हैं। उन पड़ाव को पूरा करने के बाद ही आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये नाग टिब्बा का जो बहुत फेमस मंदिर है वो ये है, और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। इसमें यदि लोग बड़े कष्ट उठा के तब यहाँ तक पहुँचते हैं और इस मंदिर के दर्शन करते हैं, और यही भक्तों की अपनी एक आस्था जुड़ी होती है। और तो भक्त लोग कितने कष्ट उठा के यहाँ तक पहुँचते हैं, तो एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आप इस स्थान पे आना चाहते हैं तो आपको कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सर्वप्रथम आपको उत्तराखंड के पंतवारी में पहुँचना होगा। पंतवारी में आपको वहाँ पे आने के बाद वहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक जो भी ये ट्रैकिंग कराते हैं उनसे मिलना पड़ेगा, एक पैकेज लेना पड़ेगा। वहाँ से उनके साथ डिस्कस करके जो भी आप डिस्कस करके आप अपना टूर स्टार्ट कर सकते हो। बीच में कहीं पड़ाव आते हैं वो आपको वहीं पे टेंट मिलेंगे, खाना मिलेगा, चाय मिलेगी, कोई कुछ बंदे या बंदी मैगी के शौकीन होते हैं उनको वो कोई भी व्यवस्था उनके लिए की हुई है वहाँ पे। फिर बाद में रात में यदि आप यहाँ पे ठहरोगे आपको चाय पकौड़ी का भी यहाँ पे आनंद ले सकते हो यहाँ पे आके। उसके बाद यहाँ पे आप रात में आपको डिनर का पूरी व्यवस्था है, बहुत अच्छी उत्तम व्यवस्था है उसमें। फिर वहाँ से करके एक जो बीच में पड़ाव बता रहा हूँ मैं, वहाँ से आप सुबह सुबह चलोगे। सुबह कुछ बंदे 4 बजे चलते हैं, कोई 5 बजे चलते हैं, कोई 6 बजे चलते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि आपको वहाँ से 4 बजे निकल देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो बीच में एक पड़ाव है, जो लास्ट पड़ाव है, उसके बाद जो इसके लिए निकलते हैं नाग टिब्बा के लिए, वहाँ से लगभग आपको 4 किलोमीटर पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको 3-4 घंटे चाहिए ही वहाँ पे। अब हम सुबह 6 बजे निकले थे, इस समय आप यहाँ पे पहुँचे हैं, समय लगभग 10 के करीब है। और अब हम यहाँ पे दर्शन किए नाग टिब्बा के, तो हम अपने आपको बड़ा धन्यवाद हैं। धन्यवाद।